अभ्यास से आप जो कुछ करना आपका जीवन हमने सब कुछ समर्पण कर दिया, आप ही हमारा जीवन का सब कुछ है। इसलिए महाराज कहते थे, इसलिए विष्णु मेरे चरण में आए थे, मेरा घर में कोई भी गुण नहीं, एक चीज मेरे गुरु जी को प्रति हमारी विशेष प्रेम। अब गुरु जी का चरण में संपूर्ण जीवन देकर के हमने अपना गुरु जी की हमसे सेवा की। हमने देखा है अपना प्रभुपाद का प्रति उनकी जो निष्ठा को हमने देखा है, कितने गुरु जी के चरणों में निष्ठा है। इसलिए एक समय जब गुरु जी का चरण भक्ति की ये सफल रहते हैं, तो एक समय भगवान कृष्ण उन्हें सारे शास्त्र को हमें बुलाए, सारे शास्त्र को बुला करके भगवान ने उनको एक प्रश्न दिया। उनका प्रश्न है, जीवन में भगवत भक्ति पाने का सबसे सरल उपाय क्या है और भगवान को संतुष्ट करने का सबसे सरल उपाय क्या है? तो उन्होंने वेद को खड़े किया, वेद तुम बताओ तुम्हारे किसी विषय पर क्या विचार है। अभी वेद खड़े होकर के वो भी अपना प्रवचन दिया है, सदा बच्चों उन्होंने वेद भी अपना प्रवचन पढ़े, सूत्रों को और मंत्र को उन्होंने प्रवचन किया, कल भगवत चरण को दर्शन ही जीवन का यही सर्वस्व है। उन्होंने अपना जो प्रवचन दिया भगवान ने कहा तुम्हारे प्रवचन में खुश नहीं हुए, तब उन्होंने उपनिषद को खड़े किया, कल उपनिषद बताओ तुम्हारा इस विषय पर क्या विचार है। अभी उपनिषद खड़ा हो गया, उपनिषद खड़े होकर के वो भी अपना प्रवचन किया, सा परम भक्ति ईश्वर, ईश्वर के चरण में परम भक्ति ही यही भक्ति का भगवान को संतुष्ट करने का उपाय है। इसलिए अनंत न ममता विष्णु ममता प्रेम सदा, जिसे उद्धव नारद आदि भगवत चरण में जिसे प्रेम किया है, ऐसे प्रेम संकट ही जीवन का सर्वस्व है, इसको द्वारा भगवान को संतुष्ट किया जाता है। भगवान ने कहा तुम भी बहुत कुछ बोल रहे हो लेकिन तुम बैठ गया, लेकिन हमको संतोष नहीं मिला है। इतना इतना बढ़िया दिया बात बोले भगवान खुश नहीं हो रहे, तो उन्होंने ब्रह्म सूत्र कह दिया, अरे ब्रह्म सूत्र किसी विषय पर तुम्हारा क्या विचार है। तो ब्रह्म सूत्र खड़े होकर के बोले अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उनके जन्मादर्श जगह अनावृत शब्द अनावृत शब्द हरिनाम करनी चाहिए और जीवन में सुख तभी मिलता है जब तक भगवत चरण में शरणागत होते हैं। इसलिए जिनसे की विश्व ब्रह्मांड का जन्मादश जगत, जिनसे जगत का सृष्टि से प्रलय होता है, भगवान सुन सुन करके बोले तुम तो बहुत कुछ बोले लेकिन उसको संतुष्ट करने को बैठ गया। तब उन्होंने हरे पुराण को खड़े किया, बोले पुराण बताओ तुम लोग का इस विषय में क्या विचार है। अभी पुराण खड़े हो, अभी पुराण खड़े होकर के अपना प्रवचन दिया, बोले भगवान को संतुष्ट करने के लिए वर्णाश्रम आचार बता, पुरुषेन पर कुमार विष्णु राधा कल भगवान को संतुष्ट करने का उपाय है वर्ण और आश्रम धर्म को जो सही सही रूप में जागृत करते हैं, इसको द्वारा भगवान संतुष्ट हो गए। वो भी अपना प्रवचन दिया सारे पुराण, भगवान सुन सुन करके बोले हाँ तुम भी बहुत कुछ बोले हो लेकिन मुझे संतोष नहीं हो पाएगी। तब उन्हें महाभारत को कह दिया, महाभारत आपको अंदर में ये भगवत गीता है, इसलिए गीता में जैसे जत कर्म से जत स्नासी जत जब से तदास जत जत तपस से पढ़ते हो तब पुरुष बदल कभी जो कुछ करते हो ये भगवान के लिए करनी चाहिए। इसलिए जज्ञा का कर्मन अन्यत्र लोभ एवं कर्मन, इसलिए भगवान को पृथ्वी को छोड़ करके हम जो कुछ करते हैं वो कर्म बंधन है। इसलिए जीव का परम कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है जीव का, बोले मन संपूर्ण इंद्रियों को कृष्ण सेवा करनी चाहिए और सब धर्म छोड़ करके कृष्ण चरण में शरणागत होनी चाहिए। भगवान ने कहा तुम भी बहुत कुछ बोले लेकिन इसमें मेरे को संतोष नहीं मिला,
सारे शास्त्र हैरान हो रहे हैं, हम इतने इतने बढ़िया बढ़िया बात करें, लेकिन भगवान खुश नहीं हो रहे। फिर खुश कैसे होंगे? अभी अंतिम ग्रंथ रह गया थे भागवत है, भगवान भागवत को खड़े किया, बोले भागवत तुम बताओ इसी विषय पर तुम्हारा क्या विचार है। सब लोग उसको देख रहे हैं, भगवान तो हम सारे कथा हमारे सारे प्रवचन भगवान ने क्या कर दिया, भगवान ने नेग्लेक्ट कर दिया। अभी भागवत अंतिम ग्रंथ रह गया, अभी ये क्या बोलना। भागवत खड़ा होकर के उन्होंने उन्होंने दो श्लोकों में उजागर किया है। वो पहला श्लोक था, ये भरत महाराज ने श्री रघुगण महाराज को जो उपदेश दिया है, कहते रघुगण ही न तपस्या न जाति न ईश्वर्या बाप न विलासवा नैव छंदसा नैव जलाग्नि बिना महत पदो रजोनिषदि। उन्होंने जब ये श्लोक को बोला और उन्होंने एक श्लोक को बोला, श्री प्रह्लाद महाराज बच्चों को जो उपदेश दे रहे हैं, जब ये दो श्लोक को भागवत खड़े होकर के बोला, इसको सुनते ही भगवान प्रसन्न हुए। यही चीज को सुनना चाहता था, इसलिए रघुगण महाराज जो कह रहे हैं रघुगण का तपस्या, तपस्या को द्वारा भगवान नहीं मिलते। जाति बहुत बड़े उच्च कुल में जन्म हो गए, भगवान उससे नहीं मिलते। न नीचे या देव पूजा पाठ करे क्या भगवान मिल जाएंगे, उसको द्वारा भी नहीं मिलेंगे। न जाति न दीजिया निर्वाह ना गिरा कभी घर द्वार छोड़ दिया क्या भगवान मिल जाएंगे, नहीं बल वेद पाठ कर रहे हैं बोले उसको क्या भगवान मिल रहे, नहीं बोले नहीं नहीं बट होगा किसको द्वारा। एक चीज बता बोला, जब तक कोई गुरु जी को चरण में शरणागत नहीं होते, जब तक कोई गुरु जी की सेवा नहीं करते, भले ही हम जो कुछ कर ले तब तक कुछ भी काम बनने वाले नहीं। इसलिए प्रह्लाद महाराज कहते हैं नई काम बल्कि स्थावर गुरु प्रकाश नहीं ईश्वर था, कहते तब तक ये जो मति भगवत चरण को स्पर्श नहीं कर सकता है, तब तक जब तक कोई गुरु जी को चरण में हम शरणागत होकर के जब तक श्री गुरु जी ने हम सेवा नहीं करते तब तक कुछ भी होने वाला नहीं, भले जीवन भर जो भी कर लो। भगवान इसको सुन करके प्रसन्न हो गए, मैं यही चीज सुनना चाहता था जिसको राय रामानंद सरकार ने बताया, जन्म कोटि सुकृत योजना लगभग कितने बड़े बात बताए, बोले पर्व जन्म का सुकृति को द्वारा भी जो चीज को हम प्राप्त नहीं कर सकते, ये तो भक्ति को जो बताया, भक्ति सुकृति के बगैर कोई भक्ति नहीं कर सकते, इसलिए बताए भक्ति स्तु भगवत भक्त संगत पर जाए थे सत्संग प्राप्त होगी सुकृत पूर्व संचित है, यदि पूर्व पूर्व जन्म का सुकृत स्तु द्वारा ही ये भगवत भक्त का संग मिलता है। सुकृति के बगैर कुछ नहीं होता, लेकिन ये सुकृति होने पर भी अगर कोई कृष्ण रस भविता भक्ति जो राजमार्ग में आने वाले जैसे महाप्रभु धारा में, जैसे हमारे गुरु वर गए, जैसे श्री महाप्रभु को धारा में आए, अगर ये महाप्रभु को धारा में जो सिक्का जो भक्त है अगर इनका संग्रह नहीं होगा तो या महाप्रभु का चरण में राधा कृष्ण का चरण में प्रेम हो सकता है, हो ही नहीं सकता। इसलिए वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है ऐसे कृष्ण रस भाविता भक्तों का संग और गुरु जी को सेवा के द्वारा जो वस्तु प्राप्त होगा। इसलिए हमने अपना गुरु जी का चरण में ये गुरु निष्ठा हमने देखा है, जो चीज हमारी भक्ति के रास्ते नारायण गोस्वामी महाराज भी बारंबार ये चीज को उल्लेख करते हैं। इसलिए जी गुरु जी का चरण हमने देखा, अरे हमारे जो गुरुदेव है उनका घर में विशेष वैशिष्ट है, हमने देखा है जो मंदिर में जितने कारीगर देख रहे महाप्रभु लीला और कृष्ण लीला जितने सब लीला है, सर्वप्रथम हमें गुरुदेव ने प्रकाशित किया है।
पहले दौड़ी बैठने से कोई कोई बात किसी मतलब नहीं था। इसलिए जब हमारे सदगुरु ने अपना मंदिर को प्रकट किया, अपना हमारा मंदिर में जाकर के देखना, पूरा मंदिर मंदिर वहां पर कृष्ण का लीला। कोई कोई सब दौड़े बैठे लोग भी बोलने लग गए, बोले क्या इसे पुतुल सजा दिया, पुतुल मतलब भगवान की धरती, क्या इसे मूर्ति मतलब क्या सजा दिया, कैसे करने का क्या जरूरत। तब हमारे गुरु जी ने कहा देखो ये कलयुग है, यदि कलयुग का जो जीव है इस स्वाभाविक रूप में इनका भक्ति से भी हो गई, लेकिन इनकी सुकृति कैसे होगी। वैसे कथा सुना तो कोई कठिन कथा सुनना नहीं चाहते, अगर ये लीला को आप एक दर्शन करें, इसलिए हमारे गुरु जी ऐसे नियम रखा था जो मंदिर में आए उनके लीला देखा, और ये लीला को द्वारा महाप्रभु कृष्ण ने क्या शिक्षा दिया है ये शिक्षा, क्योंकि जब कोई चीज को देखेगा फिर सुनेगा फिर जो काम करता है। इसलिए हमारे गुरु जी सर्वप्रथम ये मूर्ति को प्रकाश करने वाले बना मंदिर में हमारे गुरु जी हुए। पहले लोग तो बोलते थे, लेकिन उसके बाद में सारी गौड़िया मठ में ही सब मठ में जहाँ जहाँ जो मठ प्रकाश कर रहे हैं उसी मठ में मैंने सबके सब ये मूर्ति को करना शुरू किया है। इसलिए हमारे जो गुरुदेव थे, यदि इनका जो जन्म है कभी ये पूर्व अवतार में जन्म हो गया, ये एक बहुत संभ्रांत वर्ष है। इसलिए जितने अवसर करके हमारे जो गुरुवर्ग भक्ति प्रज्ञा की सब गोस्वामी महाराज के बाबा महाराज जितने अवसर करके देखने को मिलता है, इनका जो जन्म है ये सबके जो पूर्व अवतार जन्म होगी अवसर करके प्रभु आपका घर है ये पूर्व अवतार में देखने को मिलता है। क्यों कारण किया है, बोले कारण है श्रीमान चैतन्य महाप्रभु को पूर्व अवतार महाप्रभु है। इसलिए महाप्रभु महाप्रभु का चरण महाप्रभु पड़ा है, इसलिए अवसर करके भक्त पूर्व अवतार का अभी भी देखने को मिलेगा, उनका अंदर विशेष विशेष भक्ति है। इसलिए उन्होंने प्रभुपाद के चरण में उन्हें आकृष्ट होकर के चलो भारती गोस्वामी महाराज को प्रचार करने के लिए गए। मेरे गुरु जी उसी समय कलेज में पढ़ रहे थे और कलेज का लीडर थे। जब भारती महाराज कुछ ब्रह्मचार्यों को लेकर के प्रचार करने के लिए गए, कुछ बच्चों ने उसी समय सभी को हृदय स्वाभाविक प्रतिभा बना, इसलिए किसी ने कहा कुछ शब्द को प्रचार करने के लिए आए, उनको हम अपना कलेज में बुला सकते हैं क्या। हमारे गुरु जी से बोले, गुरु जी का नाम था शिव शंकर, बोले क्या हम उनको बुला सकते, बोले क्यों नहीं बुला अपना कलेज में बुला। तब भारती महाराज अपना सब सिस्टम को लेकर गए और क्या उन्होंने हम लोग उत्तर का नृत्य करते हैं, खूब नृत्य किया। इनके बस हमारे संप्रदाय में ये नृत्य है, कोई संप्रदाय उधर का नृत्य नहीं करते, नाचते नहीं था। जब हृदय का आनंद संपूर्ण बाहर में आए उछल कभी कोई नृत्य करेगा नहीं, थोड़े कोई नृत्य करेगा। इसलिए कभी कभी हमारे भक्तों को नृत्य करते हुए देख के लोग आश्चर्य लगते थे, जिसे देखो हमको देखा है ऐसे संतों को नृत्य करते थे। इसलिए उन्होंने जो अपना शिष्य भक्तों के साथ में गोपीनाथ महा निवेदन सुना, ये कीर्तन को करके प्रभुपाद किए भारत महाराज कीर्तन क्या कीर्तन किया, और उसको बाद उन्होंने जो हरि कथा गीता को करके उन्होंने हरि कथा सुनाया कि आत्मतत्व विवेक को करके शरीर क्या आत्मा क्या मैं कौन हूँ कहाँ से ये आत्मतत्व को करके उन्होंने जो विवेचना किया है, कभी इसको सुन करेंगे तो हमारे गुरुदेव को ऐसे लगा अब हम घर में वापस नहीं जाएंगे, ये संतों के साथ में चले जाएंगे घर में वापस नहीं जाएंगे। बड़े बड़े संतों को देखने को डर लगता है, बोले कैसे, कहते मैंने किसी तरह से रात को रात भर तो सोया नहीं, ये संतों को तो स्मरण किया, मैं सवेरे को लेकर आ गए। आज एक तो मैं सोच रहा था किसको मैं बोलूं, तुम लोग को साथ में जाना चाहता हूँ, गरीब के साथ में ले जाओगे, मतलब किसको बोलूं, बोलूं किसको, बाहर तुम्हारा समझ गए कुछ बोलना चाहते, बोले क्या बात है, बोले उनको सबसे छोटा ब्रह्मचर्य था, बोले उसको भी कुछ बताना चाहते, बोले आप क्या बनना चाहते, वो समझ गए, कहते हैं मैं आप लोगों को जैसे बनना चाहता साधु बन कर भी जाना चाहता हूँ, क्या मेरे को साधु ले चलोगे। इस साधु तो इसलिए वो साधु बच्चों को पकड़ने वाले साधु है, बोले चाहते हैं किसी चीज हाँ वो जैसे जैसे पागल साधु वैसे पागल बनना चाहते हैं। इसे गोपिया कहती है ना, इसलिए खबरदार इस आदमी को विश्वास मत करो, बगल में भागवत का पुस्तक दबा के पहले भागवत कथा करके कोई पैसा की जरूरत नहीं, बिना पैसा खबरदार
जिस जितना भी खाए की रहने का खाने का रहने का कोई दिखा नहीं, ये सब पे जो लगा देते हैं, इसलिए इनको पल्ले में बस पड़ा करो, बिना पैसा इतना स्नान का बहाना है, सब पागल बना लगा दीजिए। इसलिए जब बोले हम भी आपको कोई बात नहीं, हमारे साथ चलो, हमारे गुरु जी का जो जन्म है वो बहुत बड़े जमींदार घर के बच्चे थे, उसी समय लाभ पढ़ना कोई साधारण बात नहीं था, उस समय इसलिए साधारण व्यक्ति नहीं पढ़ पाते थे, इसलिए वो बहुत अच्छे जमींदार घर के बच्चे थे, साधारण व्यक्ति नहीं थे। जब बोले साधु बन जाए या जब परिवार को पता चला, उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट कर दिया, साधु लोग कहां से आए और हमारा लाला बच्चे को कोई खराब करके पता नहीं क्या कर दिया, मेरे बच्चे को पकड़ कर ले जा रहे हैं। अभी ये कर दिया तो अभी इतना पुलिस को जाने की नदी थी, जहाँ पर बाहर होने वाले सबके सब जान कर सब पुलिस वहां पर खड़े हो गए। जब हमारे गुरु जी को जा रहे थे, उनको जोर जबरदस्ती पकड़ कर पेश कर उनको घर में ले गए। जब घर में ले गए, लेकिन उनका जो मन प्राण थी तो वो साथ में चला गया। अभी हमारे गुरु जी अभी सोच रहे हैं कि क्या करें, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन है, हमारे गुरु जी का जीवन एक पैसे को जो बहुत बड़े धनी घर के बच्चे थे, अभी पैसा करने के लिए जाए घर में तो बात रहा नहीं, पहले उनको साथ में दो व्यक्ति, टॉयलेट करने के लिए वोट लाटरी करने के लिए उनको साथ में दो व्यक्ति, घर में सोते रहे आदमी जगह पे रहते हैं, ये भाग दी जा रही देखा नहीं, बेकार भजन मछली कोई जरूरत नहीं, पर कोई खराब कर दिया, अरे गुरुदेव सारे तो संतों की भावना छोड़ करके एकदम साधा तपाव पे आ गए, हर को पता चला कि हमारा बेटा बहुत अच्छा हो गया। अभी बहुत दिन तक उनको घर से बाहर निकलने नहीं दिया था, अभी गुरु जी ने बहाना बताए, बोले बहुत दिन हो गया मैं कहीं नहीं गया, मैं तो अपना बहन को घर से जाना चाहता हूँ, एक दिन भी घूम आए। परिवार के लोग ने कहा सचमुच से बहुत दिन हो गया गया नहीं, चलो ठीक है जाओ अपना बहन को घर पे सुन ले जा, और बहन को घर पे पहले तो आकर भी कर रखा था, हां वहां की हमारे कलकत्ता में बाबू जान गौड़िया बैठी थी, वहां सीधा बहन का घर का नाम बोल कर के सीधा वहीं से आगे प्रो होता से पश्चिम बंगाल जा रही, देखा ये भैया तो आया नहीं, पता लग गया बोले ये तो छोटे कहीं भाग गया, फिर ढूंढकर कहा गया कहा गया, फिर ढूंढते ढूंढते फिर लोग आए, फिर कलकत्ता में बात हो जाए गौरी मठ आए, फिर उनको किसी तरह से उनको समझा बुझा करके रजिस्टर से गए। उसको बाद में मेरे गुरुदेव कहते ये जो गुरु वैष्णव को जो सेवा है इसको ऊपर उनने ज्यादा महत्व दिया है, इसलिए ये गौरी नदी का भी उनका सुख जीवन प्रभुपाद का जीवन में हमारे गुरु जी का जीवन याद है, क्योंकि इनकी सेवा थी जैसे ये परिक्रमा लग रहा है, परिक्रमा में उनका सेवा था, जो लोग अशुष्ट हो जाएंगे वृद्ध लोग ये इनको सेवा शुश्रूषा करना इनका सेवा है, इसे हमारे गुरु थे परिक्रमा को जितने महत्व देते थे उससे ज्यादा महत्व देते थे सबको सेवा करने में, इसका शरीर में असुविधा हो गया कोई बीमार पड़ गया मेरे गुरु जी बहुत सेवा भी करते थे, बोले कारण में किया बोले हमसे तो परिक्रमा उठा करती है, कब से जब भक्तों का सेवा करेंगे भक्तों की आशीर्वाद मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा तो इस आशीर्वाद से कभी हम सेवा कर सकते भजन कर सकते, इसलिए मुख्य रूप में सभी को सेवा में उन्होंने ये सेवा के मूल्य में परिवर्तन पत्रिका में जीवन याद किए। जैसे हमारे गुरुदेव सर्वप्रथम बहुत बड़े प्रचार करते आप सवेरे श्रवण कर रहे थे, इसलिए उन्होंने प्रचार करते करते जो सवेरे सुना उन्होंने कभी उन्होंने गए श्री नवी महाराज के साथ में प्रचार करने के लिए महिमा सिंह गए, प्रचार करने के लिए जब गए उन्होंने उसी समय हमारे गुरु जी को प्रभुपाद ने नाम दिया था जो विद्यावाणी थे, जैसे दूसरे सरस्वती जैसे कई से विद्यालय थे, इनको खड़े किया तो
हमारे गुरुदेव सिद्धाव ने बोल दिया। उसी समय राम बंगाल में राम कृष्ण को साक्षात करते, जो राम वही कृष्ण कली युग राम कृष्ण, जो राम वही कृष्ण कली युग में राम और कृष्ण ये दोनों मिल करके कली राम कृष्ण रूप में आए। उनको साक्षात भगवान मानते हैं, इसे जितना सब राम कृष्ण मिशन देखोगे और विवेकानंद तो मानते हैं। अगर पृथ्वी में कोई एक साधु है, एक साधु इसलिए इसको बड़े साधु मानते हैं। हमारे गुरुदेव को खड़े किया तो हमारे गुरुदेव को खड़े होकर उन्होंने राम कृष्ण विवेकानंद उन्होंने जो गाली उन्होंने दिया है, बोले ये राम कृष्ण नहीं राम सागर है, राम सागर तो बकरी है, ये राम कृष्ण जो भगवान होते हैं बकरी है। और विवेकानंद बोलते ये वेसुकानंद और विवेकानंद है, इसका कोई इसका कोई विवेक था नहीं। और जो उसी समय जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था, क्या नाम था, रविंद्रनाथ ठाकुर, क्या उस समय उसको नोबेल पुरस्कार मिला था। उसी समय इतने अच्छे कविता लिखी थी, पर जिनका कविता को जो औरत लोग जो रोसी घर में रोसी बनाते उनके लिए अच्छे आदमी के लिए जिनका कविता है, इसलिए उन्होंने ऐसे ऐसे छोटे शब्द बोले। इतना सुनते सारा दुनिया को उनके प्रति पागल हुए थे बंगाल में। ये बात जब स्पष्ट रूप में बोल दिया, लोग कथा क्या समझे कि पत्थर और जूता फेंकने लगे कथा को घर में, और इतना नहीं बोला जैसे मार पीट होगा। अभी इतना जो प्रचार हो रहा था सब बदनाम हो गया, दूसरे दिन पेपर में आ गया कोविड मन जो लोग छठा जो भगवान राम कृष्ण विवेकानंद जो परमहंस सुंदर वेणुपानंद सब उनको उनको मैंने राम सागर बकरी बोला और उन्होंने गाली दिया है पत्रिका में आ गया। और वहां पर जो महाराज नहीं महाराज प्रभुपाद का टेलीग्राम किया है सिद्ध स्वरूप ने सारे प्रचार को उसने हमारा सदस्य कर दिया, सारे प्रचार को बिगड़ गया बिगड़ गया हमारा पर। प्रभुपाद सुनकर कितने खुश हो गए, इतने प्रसन्न हुए। प्रभुपाद ने कहा सिद्ध स्वरूप का 1,00,000 रुपया प्रचार कर दिया। उसी समय 1,00,000 रुपया बहुत बड़ी बात है, 1,00,000 रुपया की साधारण बात नहीं, 1,00,000 रुपया प्रचार कर दिया। कोई चिंता मत करो मैं आ रहा हूँ, कोई चिंता मत करो। सचमुच से प्रभुपाद आए, फिर उन्होंने वहां पर जो समाज में सबके संक्रोधित हो गए थे, फिर उसको दो बार निमंत्रण किया, फिर आप सब आओ हम दो बार हम ये सभा बुलाएंगे, विचार करेंगे बच्चा क्यों बुलाएंगे क्योंकि प्रभु चाहिए। फिर सबके सब लोग आए, फिर प्रभुपाद ने हमारे गुरु को तय करी, फिर तुम बताओ तुमने ऐसे गाली क्यों बोला, कारण क्या है। तब हमारे गुरु जी खड़े होकर से बोले, क्योंकि हमारे गुरु जी पहले उनको सर्वश्रेष्ठ मानते थे, उसी पार्टी का लीडर कभी बने। अभी जब उन्होंने भक्ति जगत में आए, जब गुरु वैष्णव के आत्मतत्व के सारे ग्रंथों को पढ़े, अभी पता चला वो कितना गलत आदमी थे, इसलिए उनको सारे फिलोसफी उनको पता था। प्रभुपाद के चरण में आकर के जब गौरीय फिलोसफी को पढ़े, वो कितने भी जब लोग थे ये चीज को उनको पता चला, फिर वे गुरुदेव खड़े हुए, बोले ये राम छागल क्यों बता रहे, छागल तो बकरी है, ये राम कृष्ण का जो मत है इनका मत है जब तो मत तब तो पद, बोले जितने मत है उतना ही पद सब है, जो जो कुछ क्यों नहीं करे सब के सब एक जगह पर पहुंचे बिना फिलोसफी। जैसे वो उदाहरण देते जैसे कि तालाब हो, अगर तालाब में अगर जिसको जाना जो पूर्व दिशा से आए, जो पश्चिम दिशा से आए, जो उत्तर दिशा से आए, जो तालाब में आना चाहते हैं सबके सब एक जगह पर आएंगे, तालाब में आकर पहुंचेंगे। गंतव्य स्थल एक है, भले जो जो किसी की नहीं करे आप एक जगह पर जाकर के आप सबके सब पहुंचेंगे, उसका एक मत है। इसलिए और उनका जो तीसरा मत है कि जो जीत है वो बंगला भाषा का कहावत है, भगवान को कहाँ ढूंढ रहे हो, भगवान को तुम्हारे सामने घूम रहे हैं, जैसे बहुत कोई समुद्र तुम्हारा घूरते थे, इसका मतलब है बल तुम्हारे सामने जीत की और एक भगवान है। इसलिए वो नर को नारायण कहते हैं, इसलिए नर सेवा ही नारायण का सेवा है, तरह की सब उनका फिलोसफी। फिर गुरुदेव ने कहा कि नर कभी नारायण नहीं हो सकते, शास्त्र कहता है ब्रह्मा रुद्र नहीं देव कही समय जीव का बात छोड़ो, अगर कोई बोले ब्रह्मा शंकर भी
भगवान के साथ बराबर है, शास्त्र ग्रंथ को पाखंडी है। इसलिए जीव कभी भी जहाँ भगवान शंकर भी भगवान के साथ में बराबर नहीं हो और जीव को बोल दोगे कि जो जीव के दुख कष्ट बाहर है ये सब के सब भगवान है, वहाँ भगवान नारायण वैकुंठ में रहने वाले सह ऐश्वर्य रूप समग्र ऐश्वर्य से जस से किया ज्ञान वैराग्य चैव सरकार कमल की गणा, जिसको अंदर भी छेद में परिपूर्ण रूप में हो वो भगवान है। और ये जीव कहाँ कर्म बंध में बाध्य होकर के हिलमिला रहा है, दुख करके भोग कर रहा है कर्म, अब भगवान के साथ में जीव को भी बराबर किया ये कहाँ पर बताया है, उन्हें इसको खंडन किया। दूसरा बात उसमें जो जो कुछ क्यों नहीं करे सब एक जगह में रूप से कहा लिखा हुआ कहीं है, गीता पढ़ो हम लोग उसमें सब गीता पढ़ सकते हैं। गीता देखो कृष्ण स्वयं कहते हैं जानती देवा प्रता देवा पितृ जानती पितृ प्रता भूदा जानती भूदत्य जानती माम जानना भी माम, ये कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। जो जिसको उपासना करेगा वो उसी लोक में जाएगा, उसी लोक में जाएगा। इसलिए लेकिन कृष्ण उसको बाद में क्या कहते हैं, बोले आप कर्म भुवन उदात पुनरा कर देना अर्जुन, बोले हे अर्जुन जीव अगर ब्रह्मलोक तक भी जाए खिन्न पुण्य भद्रलोक भी सन्ति, इसलिए पुण्य समाप्त होने के बाद ब्रह्मलोक से भी जीव का पतन होता है। लेकिन केवल जो कृष्ण को उपासना करते हैं जन गर्वाना निपल करते तब धाम परम कृष्ण स्वयं कहते हैं जहाँ जाने पर जीव कहीं वापस नहीं आते। कहाँ ये गीता में कहाँ ही बताया, हम लोग सब हिंदू हो गीता हमारे मूल ग्रंथ है, कहाँ यहाँ पर बताया गया जो कुछ करके एक जगह में पहुंचेगा, ये संपूर्ण गलत फिल सकी। तो इसको राम छागल क्यों बोले, बकरी क्यों बोल दिया, कहते राम छागल इसलिए बोले जो छागल है ना बकरी और ऐसे 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 करना है और हर बात को अनुबंध करना है, ये भी ठीक है भी ठीक, जब मत तत्व पद है ना जितना पद उतना पद, इसलिए जितना पद उतना पद है, जैसे बकरी कैसे से करता है वो हर बात को सब सब ठीक है बोले सब कहा ठीक है, बोले बोले तुझे क्या मैंने तो बेकुबा नजर क्यों बोले मूर्ख क्यों बोले, मेरे गुरु जी ने बोले कि धर्म जगत का ही गुंडा है, इस धर्म जगत में गुंडा आदमी है, ऐसा धर्म कर्म में कुछ तो कोई मतलब नहीं था इसका गुंडा बोल दिए, बोले गुंडा क्यों बोले, कहते ये सर्वप्रथम एक व्यक्ति जो हुए जो विदेश में गए सीतापुर में गए और हमारे संस्कृत को उन्होंने जीरो को ऊपर में उनको लेक्चर करके बताया, जीरो को ऊपर में प्रधानी क्या क्या उन्होंने प्रभुवाद को वहां पर स्थापित किया, उन्होंने बोले इन्होंने विदेश में जाकर के हमारा कोई धर्म हिंदू धर्म नहीं प्रचार किया, हमारा जो हिंदू है हमारा जो सनातन धर्म है वो भगवान का हिंदू स्वरूप स्वीकार करने वाले, उन्होंने जाकर के ब्रह्मवाद मायावाद को उन्होंने प्रचार किया और वहां जाकर के अपना कोई फिलोसफी नहीं, बल्कि वहां से जब आए एक लड़की को निवेदिता को एक लड़की है कहते एक लड़की को निवेदिता को साथ में ले आए थे, इसलिए उन्होंने कोई अपना जो गीता का जो प्रचार है गीता का जो फिलोसफी उन्होंने कुछ हमारे सनातन धर्म का कोई उन्होंने प्रचार प्रसार नहीं किया, वो कह सकते कहिए गीता मनोबल को पढ़ने से क्या होगा, फुटबॉल खेल जाकर मैं जाती क्योंकि गीता मनोबल को पढ़ने से क्या होगा, अगर फुटबॉल खेलो होते शरीर का कसरत होगा तो शरीर हिलकर खुश रहेगा, ये गीता क्यों पढ़ रहे हैं। अब कहते हैं ये तुलसी वृक्ष में क्यों पानी दे रहे, तुलसी वृक्ष में पानी देने में क्या लाभ है, बैगन का पेड़ में पानी दो उसमें बैगन फल होगा, ये तुलसी वृक्ष में क्यों पानी दोगे, तो सब उनका फिलोसफी है। इसलिए कहते हैं ये पता नहीं हमारे कोई हिंदू संस्कृति हमारा कोई सनातन है संस्कृति है, हमारा शास्त्र कहता है गीता पढ़ो गीता साक्षात गीता सुगीता कर्तव्य किमन है शास्त्र विदर विस्तरई जहाँ स्वयं पद्मनाभ मुख पद्म विनिष्ठता साक्षात कृष्ण का मुख निश्चित ये वाणी है, गीता पढ़ने के लिए कहते हैं और ये बोलते गीता क्यों पढ़ो जब बोल दो उससे शरीर का कसरत होगा, ये तुलसी साक्षात तुलत वृंदावन से जीव को ऊपर में कृपा करने के लिए तुलसी व्यक्तिगत रूप में इस जगत में आए, हमारे संस्कृति है उनको पूरा फिलोसफी वहां पर वो कहते सब बराबर है,
क्योंकि उदाहरण देते थे जैसे ऊपर प्लेन को प्लेन में चढ़ ऊपर चल गया नीचे क्या बराबर उसी तरह अभी हम नीचे हैं इसलिए सब अलग 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 देख रहे हैं जब हम बहुत ऊंचे चले जाएंगे ना फिर हमको सब बराबर देखेंगे गलत नीचे हम जब ऊपर जाते हैं सबको बराबर हम क्यों देखते हैं इसलिए हमारा दृष्टि शक्ति है नहीं हमारा दृष्टि शक्ति इतना नहीं जो देख सके ये सब बराबर थोड़ी हो जाते हैं जो जो वैसे रहता है लेकिन हम ऊंचा उठने पर हमारा दृष्टि शक्ति उसको देख नहीं सकता इसका मतलब है इसका बराबर हो गई इस सब के सब ऐसे हमारे खुदे पिता वेद ऊपर चल रहा जितने नाम हम उदाहरण दे करके आप लोग सब के सब हिंदू गीता भागवत वेद पुराण सब पढ़ लिए हो हम शास्त्र का श्लोक कोटेशन कोटेशन कर बोल रहा हूँ आप बताओ ये सही ना ये लोग सही जब महाराज ऐसे बताए कितने लोग थे इतने प्रश्न सब के सब जोर से ताली बजाए कहते कहीं सचमुच से इसने जो कहा था उन्होंने सही कहा था मेरे प्रभु का आदमी बोले प्रचार ऐसे होनी चाहिए कभी कभी प्रभुपाद का प्रचार का समय पर प्रभुपाद सत्य बात को बोलते थे इसलिए प्रभुपाद जब प्रचार किया उस समय सारा दुनिया में टंका बन गया सारा दुनिया के लोग क्योंकि बोलते थे ये गौड़िया मठ ये सब पर मित्र थे ये सब धर्म प्रति सब बेटा कर रहे हैं क्योंकि भागवत कहे कहा परिपूर्ण चले पृथ्वी के धर्म नाम जगत पता चले जगत में धर्म का नाम पर जितने बात है जब से कपट का धर्म ये कोई धर्म धर्म है भागवत कहे ये सब कपट धर्म है केवल एक धर्म जो सनातन धर्म है जैव धर्म है आत्म धर्म है केवल एक ही धर्म है और कोई धर्म है ही नहीं पृथ्वी से सर्वप्रथम यही धर्म चलते हुए आ रहे हैं लेकिन बाद में उल्टा उल्टा लोग आ करके इस धर्म को प्रचार किया है लेकिन सर्वप्रथम भगवान बुद्ध को ज्ञान हो यदि ज्ञान में परम बुद्धि हम चंद्र विज्ञान संबंधित सर्वप्रथम भगवान को विज्ञान ब्रह्मा जी को देते हैं ब्रह्मा नारद जी को दिया है नारद से व्यास देव को फिर मध्वाचार्य ऐसे करते करते ये शुद्ध धर्म आया है लेकिन विभिन्न रूप में आकर के अलग अलग धर्म हो गया है लेकिन धर्म केवल एक ही है जो एक सनातन ज्ञान है इसलिए उन्होंने जब उन्होंने की सब बात को बोले लोग प्रसन्न हो गए जो बोला उन्होंने सही बोला है इसलिए प्रभुपाद से वो प्रचार कर रहे थे कुछ लोग आकर प्रभुपाद को बोले बोले प्रभुपाद आपको जैसे धर्म प्रचार कर रहे थे अगर दो चीज को आप छूट दे दोगे ये दुनिया के सारे लोग आकर के केवल आपका संप्रदाय में आ जाए जगत में केवल एक संप्रदाय रहेगा जो कि गौड़ीय संप्रदाय फिर दो चीज क्या है फिर एक है चाय दूसरे चीज बीड़ी सिगरेट अगर ये दो चीज का हम छूट दे दो हाँ अगर सारा दुनिया के लोग इस तरह व्यवहार बात भी सही है हमारे संप्रदाय आप देखो दूसरे दूसरे संप्रदाय में जितने लाख लाख लोग हैं जहाँ पर कोई खान पान का रजिस्टर नहीं पूजा भक्ति का रजिस्टर नहीं है इसलिए प्रभुपाद ने कहा मेरे को हजार लाख तारों की जरूरत नहीं मेरे को एक चंद्रमा की जरूरत है जब एक चंद्रमा हो और दुनिया संपूर्ण प्रकाश कर दे हम केवल एक चंद्रमा चाहिए इसलिए कृष्ण जिसको गीता में कहते हैं सुदर्शन प्रशांत आत्मा कोटि कोटि महान है करो करो में जो मेरे शुद्ध भक्त है करो करो में तो एक मेरे शुद्ध भक्त होता है इसलिए प्रभुपाद ने कहा एक व्यक्ति चाहता हूँ जो एक व्यक्ति आए सचमुच से भजन करे और भगवान के पास में लौट चले इसलिए हम एक व्यक्ति को चाहता हूँ इसलिए हमारे गुरुदेव ने की बात उन्होंने एकदम धर्म को ऊपर में अच्छे तरह से उन्होंने हमारे सनातन धर्म को हमारे गुरु जी ने प्रचार किया है और प्रचार प्रसार करते हुए उन्होंने प्रभुपाद की जो मनोदेश करे उन्होंने प्रभुपाद की मनोदेश को उन्होंने समाप्त किया हम भी ये प्रभुपाद की दीवानी है इसलिए हम लोग को भी ऐसे प्रचार करनी चाहिए शुद्ध भक्ति को जैसे संपूर्ण दुनिया महाप्रभु का प्रेम में सबके सब नाच उठे सबके सब हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
अभी अभी आठ बजे सवाल किया तीन दिन से हमारे गुरु वर्गों की आवेश भाव तेरो भाव तिथि मनाई गई जिनके जिन लोगों के अपूर्व अति पवित्र चरित्र ये चरित्र ऐसे हैं कि जो अपराधित देख करें साधारण मनुष्य साधारण कारोबार की है जैसे शरीर के अंदर में आत्मा है शरीर जल है तो आत्मा चेतन है इसी तरह से भौतिक जगत के अंदर में इन महान पुरुषों का आत्मा जीवों के परम कल्याण के लिए भी लोग अपनी इच्छा से नहीं भगवान की प्रेरणा से ही आते जीव संसार में कर्म फल के द्वारा बधे थे इसलिए कर्म फल में आउट होकर कर्म के अनुरूप सुख और दुख भोग करते हैं परंतु ये छोटी सी दिया की भांति प्रज्वलित होकर फिर समा जाती है भूल जाती है परंतु संसार को प्रकाश देने वाले उज्जवल चंद्रमा की भांति उज्जवल ग्रह सूर्य की भांति संसार को ज्ञान देने वाले प्रकाश देने वाले ये महान पुरुष है इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञान दिवेन भासता आसता यानी सूर्य प्रकाश भगवान श्री हरि भक्तों के हृदय में ज्ञान रूपी प्रदीप जलाकर प्रकाश प्राप्त करते हैं वो ज्ञान रूपी प्रदीप को जलाने वाले प्रकाश को देने वाले कौन है उनके अवतार क्या जो श्रीमद् भागवत में वर्णन हुआ है श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं जहति जननी वासुदेव की जन्म बाप जदवर परिसर सौदर भीरस्त्रंग धर्म भगवान अपने परिकर्मों के द्वारा अपने निजजनों के द्वारा जिनमें असीम शक्ति संचार कर जीवों के हृदय अंधकार को दूरीभूत करते और उनके हृदय में प्रकाश देते हैं जो अपराधित प्रकाश है जीव चिर अंधकार में डूबे हुए इसलिए इस प्रकाश को देख करके उनके अज्ञान अंधकार को दूर करके उन्हें जगाकर अपने चरणों की सेवा में लगाते ऐसे जो भगवान श्री हरि के निजजन सौदर भीरस्त्रंग धर्म अपनी भुजाओं के बल से पाखंडियों का दमन करते तो भगवान की भुजाएं क्या है बोले भीम और अर्जुन जो दुष्टों को दलन करने में असीम शक्ति रखने वाले दस दिशाओं को जीतने वाले ऐसे पांडव गण किए महाप्रभु जी अपार करुणा करुणा वाले होकर के आए उनका करुणा का भंडार विश्व जगत को देने के लिए ये सभी हमारे गुरु बन के आए गुरु महाराज श्रील स्वामी महाराज श्री सिद्धार्थ महाराज ऐसे ऐसे जो महान आचार्य द्वार गौरी गुरु बन के जो आए हैं पाप पद्मों के प्रति असीम निष्ठा रखते हुए इन लोगों ने ऐसी महानता को प्राप्त की भगवान की उस असीम शक्ति को अपने में धारण किया और उसकी महिमा को जगत में घोषणा की प्रकाश गुरु के प्रति निष्ठा नहीं हो वैष्णवों के प्रति निष्ठा नहीं हो त्याग की भावना नहीं हो
और सेवा के प्रति आदर नहीं तो कैसे भजन होगा? भजन करने पर थोड़ा ही होता है। माला कहने से या नाचने कूदने से हो जाएगा, तो जाते नाच कूद लिया फिर भाग गए। अब जो शांत बोलते बोल रहे थे, गौरी मठों में देखा जाता है कितने सैकड़ों हजारों लोग आते हैं और पानी के बाहर की तरह भाग जाते हैं। तो क्यों? इंद्रियों के लालच में, विषयों के भोग में, सुकृति के अभाव में, गुरु वैष्णवों के प्रति निष्ठा के अनादर में, अभाव में, ये सभी होता है। निष्ठा जब होगी गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, तब तो कुछ काम बनेगा। इसलिए भागवत जी ने कहा, गुरु देव का देवता। हमारे देवता कौन है? गुरुदेव। हमने किसी ने भगवान कृष्ण को देखा ही नहीं। जब आए तब हम कहां तरह के गिरे, निष्ठा के गिरे ऊपर पड़े रहे, कोई हमारा कोई अता पता नहीं था। पर उस समय उनके सान्निध्य होने के लिए हमारे पास इतना सौभाग्य नहीं बन पाया। घूमते पिए आज गुरु वैष्णवों की अपार करुणा जो की उन्होंने हम लोगों को खींच करके अपने चरणों में लाया और अपने चरणों का रास्ता दे करके और हमारे कानों में उपदेश आदि को प्रदान करते हुए हमें प्रबोध करा रहे हैं, जगा रहे हैं। जीव जागो बुरा शब्द होती है। जो गुरुवर्गों के मुख से हमने सुना, राय जागो है क्या? राय जागो खुद जागो, जीव जागो जीव जागो। इस प्रकार ये गुरुवर्ग जो असीम करुणा का ठंडा लेकर के आए, देखने में बड़े कठोर, बड़े शक्तिशाली, बड़े भय बड़े विजय के साथ में गाली सुना देते हैं, बता देते हैं, जनता लगा देते हैं। क्यों? जो हम सुनते हैं बिना पढ़े लिखे हम पास करना चाहते हैं वो भी नहीं, खुद हम बचाते हैं। इसलिए वे हमारे ऊपर डंडा बरसाते हैं, शासन करते हैं। और इस अनुशासन को धारण कर यदि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करके भजन कर ले तब कल्याण होगा। गुरुदेव हमारे देवता है, उनकी जो अपराध का स्नेह करुणा और कोई नहीं दे सकता। उन्हीं की से स्नेह करुणा के ऊपर ही भगवान की करुणा का विस्तार होता है, नहीं तो भगवान की कोई करुणा नहीं होती। बोले लाखों करोड़ों और मिलियन मिलियन व्यक्ति बड़े में बड़े जाओ हर भगवान कभी आंख में दर्द देते भी नहीं। भोगो कर्म भाव अपने अपना कर्म अपना भोग पड़े कोई दया करने वाले नहीं। इस संसार में दया करने वाले एकमात्र गुरु पाप को करने कोई दूसरे नहीं। इसलिए उनके चरणों में एकांत निष्ठा हो, भावना हो, इस गुरु निष्ठा में कभी भी अकेले टूटे नहीं। जो कुछ भी है हो जाए, मर जाए, बैठ जाए, जन्म जन्म में गुरु के प्रति वैष्णवों के प्रति निष्ठा हो, बहनों को हमें पार करा कर ले जाए। गुरु जी कहते हैं, श्री महाराज जी कहते हैं, देखो प्यारे बच्चों, तुम लोग चाहे कितने ही उधम बचाओ, कुछ भी करो, तुमसे भजन नहीं होता है कोई बात नहीं, केवल पड़े रहो। यदि संबंध में जोड़ कर पड़े रहो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, हम तुम्हें पास करा कर ले जाएंगे। तुमसे समझ छोड़ो तो बात, पर कुछ लोग छोड़ छाड़ करके भागते तो माया के कारण है। इसलिए भगवान जी बोलते हैं, कहते हैं कि
कोई मुझे पाना चाहते हैं तो पहले गुरु के प्रति निष्ठा बनाए, गुरु की सेवा करें, पहले तो बर्तन को घिस मास करके सफाई कर लें, तो हमारी कृपा करुणा धारण कर पाएंगे। आज जो बल्ले की तिथि है उन्हीं के चरणों में हम प्रणाम निवेदन करते हैं, क्योंकि परम सूर्य श्री शिष्ट मात भक्ति श्री सिद्धांत महाराज के आयु महाव तिथि पर श्री गुरु महाराज जी के तिर महाव तिथि श्री स्वामी प्रभुपाद के तिर महाव तिथि पर आज हम सभी अपना हृदय पुष्पांजलि श्रद्धा समर्पण समर्पण करते हुए उनसे कृपा करुणा की भिक्षा मांगते हैं। हम सब पर हमारी करुणा वर्षा कथा के साथ में मैं अपना पक्ष बरतता हूँ। कल हम लोगों का प्रोग्राम जो है सुबह सुबह बस यात्रा में बस में बैठकर हम लोग कामोवन की यात्रा करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग यहाँ से बस में जाते हुए गठौली हो करेंगे, ठीक होते हुए हम लोग जाएंगे कामोवन के अंतर्गत भोजन खाने। भोजन थाली में भगवान ने भोजन किया था, पत्थर पर थाली बना करके वहीं पर उन्होंने भोजन किया। प्रति वर्ष सभी भक्त जन वहाँ फल फूल मिठाई जो कुछ बने कृष्ण उसमें लेकर जाते हैं, वहाँ जो भी भोग लगाया जाता है और सभी को विदर्भ किया जाता है। इसलिए सभी लोग कुछ न कुछ अवश्य ले चले गए, खाली आपने जाना चाहिए बस परिक्रमा में और पूरी भोजन में भगवान को कुछ भोग लगाएगा। दूसरी बात है कि भोजन खाने से हम जाएंगे पीछा पहाड़ी बलदेव चरण चिन्ह भोमासुर की तंद्रा गुफा है। बहुत से लोग धर्म मचाते हैं मानते हैं और तंद्रा के ऊपर पहाड़ पर चढ़ जाते हैं उनका उसके समय बड़ी दिक्कत, तो इसलिए ठीक से सही दर्शन करें ऊपर जाने के लिए हम भी अनुरोध करते हैं कि नहीं जाए तो अच्छा है, पर तुम नवयुवक लड़के सभी लड़के लड़कियां तो भागते हैं भागती हैं, उनके पीछे जैसे बड़े बड़े भी भागे और कमर तोड़ करके कांटे में गिर कर पैर तोड़ करके और रोते गिरते हुए आएंगे तो क्या अच्छी बात है, परिक्रमा करनी पड़ेगी। तो अशुभ की तंद्रा देखने के लिए भागे भागना नहीं, नीचे से ही दर्शन कर ले पीछे पहाड़ी अवश्य चल वो पीछे खेल ले कबर भी सीधा हो जाएगा। उसके बाद गोपीनाथ जी हो करके हम लोग चरण पहाड़ी दर्शन करेंगे, वृंदा देवी दर्शन करेंगे और कामेश्वर वाले होकर विमल कुंड में वहां पर दो का प्रसाद मिलेंगे। ये सब किया उसके बाद में यदि कामेश्वर जैसे होगा वैसे हम लोग करेंगे, जिसके पश्चात हम लोग शाम को दिन यहाँ लौट कर आएंगे। दिन भर की परिक्रमा है, आगामी काल आम रस्तों का नहीं मामला तेल बड़े बड़े साढ़े पांच का है, सब बड़े बात है उसे जाने और वासे बोलते वही हम तो ये हम तो ये हो जाएंगे सही जनता में निवेदन करे आपका रखी चुने की चुवा हो सकी जाने और पुले भोजन में कोई मन जो भोग लगा में नहीं जाते। अच्छा তারপরে আমরা বিশাল পাহাড়ি ইত্যাদি গোপীনাথ হয়ে চরণ পাহাড়ি কামেশ্বর বাদে বৃন্দা দেবী বিমল কুণ্ড গিয়ে আমরা প্রসাদ গ্রহণ করব, এই সব দর্শন করব। তোমার প্রোগ্রাম হয়তো ভোজন করে এক পাবো।